अरेंज कर दीजिए। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कोरोना स्पेशल का हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में हम मूल रूप से आपको आसन के, प्राणायाम के और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग करवा रहे हैं। ध्यान का प्रयोग कुछ कम मात्रा में हो रहा है, क्योंकि उसके हमारे स्वतंत्र सेशन अलग से चलते हैं, सुबह भी चलते हैं और शाम को भी चलते हैं। आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि हमारे अस्तित्व के तीन भाग हैं। एक हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, इलेक्ट्रिक बॉडी जो इस शरीर को चलाने वाला तत्व है, और तीसरा है कर्म शरीर जो हमारे कर्मों का संचय है। यह आसन और प्राणायाम का जो प्रयोग हम कर रहे हैं, यह मूलतः हम स्थूल शरीर के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा तेजस शरीर, इलेक्ट्रिक बॉडी, सूक्ष्म शरीर रखी तो है डबल बेड की हाल मारे, वह पावरफुल नहीं होगा, पावरफुल नहीं हो सकता, क्योंकि सारी ऊर्जा सूक्ष्म शरीर से आ हो न जाए, और सूक्ष्म शरीर की यात्रा, सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा, सूक्ष्म शरीर की हमारी शक्ति को बढ़ाने वाला जो कार्यक्रम है उसको कहीं पीछे न छोड़ दे, इस बात के लिए हमें जागरूक रहना है। यह प्रयोग आप निश्चित रूप से करते रहें। एक दो हैंड रेज हैं, उन हैंड रेज के प्रश्न को आप देख ले चुके हैं। जी जय जिनेन्द्र जी। हाँ, मेरे को अभी 2-3 दिन हुए जुड़ी हूँ अभी, मुझे बहुत फर्क लगा है, और अब मेरे को पहले से ज्यादा ये, बस मेरे को इस टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, मेरे को इतनी खुशी मिल रही है, शरीर हल्का हल्का लग रहा है, पर मेरे कोरोना हुआ था उसके बाद से पहले कमजोरी थी तो अभी कंप्लीट लग रही है, पर पेट बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए? वेट बढ़ रहा है मैडम। हाँ, हमारा पेट मतलब पेट के यहाँ से जी जी, उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी होगी, न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखना होगा। उसके लिए आप डॉक्टर सुनीता गुप्ता जी से जुड़ सकते हैं, हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, वो आपको बताएंगे कितनी कैलोरीज आपकी बर्न होती है और कितना आपको रिक्वायर्ड चाहिए। आप ये इस बात की तरफ ध्यान दीजिए राजश्री जी की। हाँ जी, कोरोना के बाद ये अनुभव आया है कि भूख बढ़ जाती है। हाँ, भूख तो बहुत बढ़ गई है। जी जी, जो ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इनको रेगुलेट करने के लिए हमें अपने डाइट के ऊपर परिवर्तन करना होगा, डाइट कंपोजिशन चेंज करना होगा। हम अपने कार्यक्रम के अंदर सुनीता जी नियमित रूप से इसके ऊपर अपना ध्यान देती है और आपको प्राकृतिक चिकित्सा के और भोजन के दोनों प्रयोग बताती है। उसके अतिरिक्त आपको लपेट के बारे में बताया था अभी, जब आज से स्टार्ट किया है मैंने लपेट। जी 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 जी, आपको रेगुलर के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत सी चीजें रोज नई कोई ना कोई चीज मिलेगी, और उसके अतिरिक्त अगर आपको व्यक्तिगत कंसल्टेशन की जरूरत हो तो आप उनसे अलग से संपर्क कर सकती हैं। भाई साहब, मैंने प्रेक्षा ध्यान में भी आपका 2-3 सेशन सुना हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया, आपके नाम से जुड़ी हुई है इसमें। थैंक यू, स्वागत है आपका, स्वागत है जगदेव जी। इसके अलावा और दूसरा हैंड रेज था जी, एक दो क्वेश्चन चैट बॉक्स में है, मैं उनको भी बता देता हूँ। बोल सकता हूँ? जी जी जी, स्वागत है। 12-13 दिन से ये कर रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है जी। मेरे ये नाम क्या है सर, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? बनवरलाल जी, बनवरलाल बोलचा, दिल्ली। दिल्ली जी, ताजमहल जी, जी बताएं जी, बताएं सर। जब मैं प्राणायाम कर रहा हूँ तो मेरे धीरे धीरे यहाँ खिंचाव होता है पीठ के बीचों बीच,
जी वो कमर कमर सीधी रखकर बैठने से होता है, लंबी सीटिंग का अभ्यास नहीं है, तो आप अभी ऐसे प्रयास करना जैसे चेयर पर बैठते हैं ना, पैर नीचे रख करके ऐसे बैठें, कमर सीधी रहेगी तो आपको रिलीफ मिल जाएगा और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। पैर ध्यानात्मक आसन में लंबे समय हम प्राणायाम करते हैं, थोड़ा ध्यान का करीब 15-20 मिनट बैठते हैं, उसकी वजह से अलर्ट रहकर सीधा बैठने का प्रयास करते हैं तो आ जाते हैं। तो जी धीरे धीरे ठीक हो जाए। जी जी और कुछ लोगों का क्वेश्चन है, माय लेग्स गेट नम इफ आई ट्राई टू सिट मेडिटेट, एनी आइडिया? ध्यानात्मक आसन के अभ्यास ना होने की वजह से जैसे ही हम पैर फोल्ड कर या ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं, वहां पैरों का ही आपस में लोक बन जाता है ऊपर नीचे रखने से, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है जिसकी वजह से नमनेस आने लगती है। तो आप बीच बीच में पैर सीधा कर लिया करें और थोड़ा अलग से अभ्यास करें ध्यानात्मक आसन का, थोड़ी प्रैक्टिस सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाएं, बटरफ्लाई के अभ्यास करें, उसी में जो हम प्रयोग कराते हैं आगे की तरफ झुकने वाले वो अभ्यास करें। जी किसी का और क्वेश्चन? ठीक है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चंस के अलावा किसी के कोई अपने विशेष अनुभव हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं अभी। सर मैं अपना सर मैंने हाफ ड्रिंक किया हुआ है। अनीता भाटिया हेलो। जी अनीता जी हाँ नमस्कार जयंत सर, दिल से आपका शुक्राना, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोग के लिए ऑर्गेनाइज करा है और मैं तो इससे बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बैक में बहुत जबरदस्त दर्द बना हुआ था और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं कोई और दवा खाऊं, मैं प्राकृतिक तरीके से अपने आप को ठीक करना चाह रही थी और उसमें आपके अध्यात्म साधना केंद्र ने मेरी बड़ी मदद करी है। डॉक्टर सुनीता की बताए हुए लपेट से और हॉट फुट बाथ को लेकर के मेरे बदन में बिना दवा खाए और बिना कोई किसी और की शरण में जाए, क्योंकि इस समय में कोई डॉक्टर मिलना नहीं था, डॉक्टर सुनीता ने घर बैठे मेरा इतना अच्छा इलाज कर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, नतमस्तक हूँ आपके लिए और हमेशा आपके लिए बहुत ऋणी रहूंगी। जगदेव सर कितना अच्छा छोटा सा मेडिटेशन कराते हैं, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ऐसे लगता है जैसे पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई। और अभी योगा करने के लिए उतनी मैं मतलब एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ, बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी प्राणायाम और मेडिटेशन से मुझे बहुत फायदा हो रहा है और कोशिश करूंगी कि मैं योगा में भी पूरा फिर से जैसे मैं पहले पार्टिसिपेट करती थी और मैं उसमें करूँ। तो आपका अजय सर का जगदेव सर का हमारी सारी टीम का सारी आपके जैसे अकबर के सभा में सब नवरत्न थे ना, तो भले गरिमा जी हो, चंदा जी हो, अनामिका हो, जगदेव सर हो और जितने भी हमारे लोग हैं सब एक से एक कोहिनूर हीरे की तरह हैं और उनसे खास तौर से हमारे पंकज सर इतना अच्छा मेडिटेशन कराते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, तो अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो क्षमा करें, मेरे लिए सब बहुत पूजनीय है। और सबसे बड़ा सेहरा तो केसी जैन सर के सर पे बनता है जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएट करा और बिना पैसा लिए बिना कुछ लिए आप हमें इतना कुछ दे रहे हैं कि शायद इसका हम कभी जिंदगी भर एहसान नहीं चुका सकते। धन्यवाद। अनीता जी डाइट का भी मुझे रेसिपी जो पीती हैं और लपेट बांध के फोटो जो आप भेजते हैं इनकी जो देखिए प्रयोग बताना हमारा काम है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी, लाभ तभी होगा जब प्रयोग आप करेंगे। तो जब हम देखते हैं कि साधक वो प्रयोग कर रहे हैं तो हमें दिल से प्रसन्नता होती है। तो नीता जी मैंने खुद बनाई, मैंने नई चादर को काट के 7 फीट की लंबी 14 फीट की लंबी जोड़ दिया और एक अपना शॉल निकाला उसको डबल करा और मैंने आप वाली अध्यात्म साधना केंद्र की लपेट भी बांधी, वो चेस्ट पर आई और पूरी लोअर एब्डोमिन तक मेरा जो लपेट था बना और मुझे बड़ा आराम मिला, क्योंकि वो मेरे शरीर मेरा बड़ा है, लपेट छोटी पड़ती थी तो मैंने उसको खुद से खुद बनाई और मैंने रश्मि जी को भी भेजी कि आप इस तरह से कर लीजिए, क्योंकि उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि लपेट छोटी पड़ रही थी। और एलोवेरा जेल लगा के आपने जो धूप स्नान किया उससे भी लाभ आपने मुझे शेयर किया था, तो आप साधकों को बताएं ताकि वो लोग भी प्रेरित हों। जी जी आपने जो मुझे वो बताया था ना कि आप एलोवेरा को बॉडी में लगाइए पूरे पैर में मल करके, मैंने एलोवेरा को मसाज करा था पूरे पैरों पे और उसके बाद मैंने उस लपेट को बांध करके बाई पैर में जिसमें मुझे ज्यादा दर्द उठता था उसको मैंने लपेटा और फिर मैं डायरेक्ट धूप में लेटी हूँ
एक घंटा पूरा, और उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा दर्द वहीं पे छूट गया। तो मुझे इतना जल्दी आराम आ जाएगा इसका अनुमान नहीं था, तो इसीलिए मैं तो बहुत मतलब एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ, और बहुत ज्यादा आपका गुणगान सबके आगे करती हूँ, सबको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये ऐसी चीज है कि इसके लिए विश्वास करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों को, मेरी गुरुजी हैं एक जो रिलीजियस प्रीचर है, उन्होंने मुझे बोला कि अनीता मैं तुम्हें दिमाग की खुराक तो दे सकती हूँ पर अभी तो मुझे शरीर की खुराक चाहिए। मैंने कहा शरीर की खुराक चाहिए तो आप अध्यात्म साधना केंद्र में आइए, आपको पूरे शरीर की खुराक मिलेगी और दिमाग की भी मिलेगी। तो हो सकता है आजकल में वो भी हमसे जुड़ेंगी, बहुत अच्छी अच्छे अच्छे लोगों से मैं चाहती हूँ कि इतना अच्छा केंद्र है तो उससे जितने भी बेहतर लोग हैं जुड़े और जो फायदा हम ले रहे हैं वो और लोग भी लें। तो मेरा बहुत बहुत थैंक्स है आपके लिए और बहुत सारा ब्लेसिंग्स है। ममता जी हैंड रेज किया हुआ है, ममता जी ममता जी बोलिए। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो जी सुनीता जी, बहुत पेन है तो मैं बैठ के ज्यादा देर नहीं कर सकती आसन या ध्यान प्राणायाम, वो ध्यान डिस्टर्ब होता है। फिर आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे पैर नीचे रखकर बैठकर कर सके ऐसे कर ले या लेट कर जैसा भी सहज रूप से कर सके उतना करने का प्रयास। ध्यान तो मैं ज्यादातर लेट कर ही करती हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर बैठ नहीं सकती। लेकिन पेन जोन का कोई ऐसे पर्टिकुलर कुछ एक्सरसाइज या है योगा प्राणायाम जिससे पेन जोन में रिलीफ मिले? जी उसके लिए आप भुजंग आसन किया करें, सलभ आसन किया करें, या हमारे एक जर्नल कॉमन प्रोग्राम चलता है सुबह अलग से योग का, उसमें जुड़ने का प्रयास करें, वहां सारे प्रयोग करवाए जाते हैं। मैं 7-8 वाला भी करती हूं तो उसमें भी फिर लास्ट में ध्यान के टाइम तो कभी-कभी मेरे को लेटना पड़ जाता है वो प्राणायाम। आप लेट करके कीजिए, अभी आपको ध्यानात्मक आसन में नहीं बैठना है, बैठते हैं तो पैर लटका करके बैठा करें। पैर लटका के बैठती हूँ तो सर नीज में भी प्रॉब्लम है, ज्यादा देर लटका के नहीं बैठ सकती मैं। पैर सामने सीधे रख लें, मैं बैंड पर आप पीछे से सहारा ले लें, पैर सीधे रख करके बैठे। हाँ सर सहारा लेके सीधे लेके ही बैठती हूँ फिर भी दर्द होता है। कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे ठीक हो जाए, सुबह का 7-8 वाला सेशन भी करती हूँ। ओके आप लेट करके भी कर लिया करें बिल्कुल सहजता से, जो अभ्यास है हम अभी करवाए हैं जो खड़े होकर या सारे हाथ ऊपर उठाने वाले, आप लेटे लेटे हाथ ऊपर ले जाए और ले आए ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। लेटे लेटे हाथ साइड में खोलो, प्रॉब्लम नहीं है, खड़े खड़े जो है वो कर लेती हूँ, सिर्फ स्क्वैट्स नहीं कर सकते क्योंकि नीज में प्रॉब्लम है। जी जी वो नहीं करना है मैडम, सारी चीजें जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है बैठ के करने वाले में, बस वही टेलबोन में ज्यादा देर नहीं बैठ सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैठना भी नहीं है कोई, सभी के लिए भी मैं जागरूकता के लिए बता दूं, कोई ऐसा अभ्यास ना करें जिसमें आपको कठिनाई हो, वो आपकी कठिनाई और बढ़ा देगा, खासकर जब कमर में दर्द होता है या पैरों में दर्द होता है तो भी पैर सीधे कर लें, कंफर्टेबल पोस्चर लें सबसे पहले, धीरे धीरे अभ्यास में आप गहराई में बढ़ते जाएंगे, आपकी बैठने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और शरीर की चंचलता भी समाप्त होने लगेगी। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या अपना अनुभव आप बांटना चाहें। श्रीता जैन जी धन्यवाद, हमने स्क्रीन पर शेयर किया है हमारी साधना केंद्र की ओर से एक्सपर्ट डॉक्टर के कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, सभी ग्रुप्स में भी हमने शेयर किया हुआ है। आप कोविड से रिलेटेड कोई भी आपको सिम्टम चीजें और परेशानी दिखे, टेम्परेचर बढ़े, ऑक्सीजन घटे, हर चीज पर जो भी आप आपके मन में कोई भरम हो और जानकारी चाहते हैं, चिंता हो, तो आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए और अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते। आगे के प्रयोग के लिए डॉक्टर सुनीता गुप्ता जी आप थैंक यू कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और अंतिम जानकारी, हमारा जो 4 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, चारों व्हाट्सएप ग्रुप में जो डीपी है
उस डीपी के अंदर सारी डिटेल्स है अध्यात्म साधना केंद्र की, वहां पर इस प्रोग्राम की आईडी और पासवर्ड भी है, केंद्र की कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी है, फेसबुक अकाउंट्स है, व्हाट्सएप नंबर है, मेल अकाउंट है, हमारा यूट्यूब अकाउंट है, सारी चीजें वहां है। आप शेयर करना चाहे तो वहां से डीपी भी ले लिया करो, और किसी को कोई जानकारी चाहे तो आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते। जी डॉक्टर सुनीता जी कंटिन्यू। जी थैंक यू जगदेव एंड थैंक यू चंदा पंकज एंड इस समय उपस्थित साधक गण को हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू भवर जी फॉर शेयरिंग, आपने अभी मैसेज डाला कि आपका ऑक्सीजन लेवल जो है 92 से 94 हो गया है, तो बाकी लोग भी ये बात सुन के प्रेरित होंगे और हमारे प्रयोगों के साथ आप लाभान्वित हो रहे हैं, तो और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। ये जो हम अपने शरीर की जो जीवनी शक्ति और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का जो अभियान है, और हमें स्वस्थता जो है नेचुरली कैसे अपने आप हम घर में कंफर्ट में बैठे हुए अपने आप को सुरक्षित और हेल्दी कर सकते हैं, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सकें। और चलते हैं आज का जो है हमारे साधक लोग कुछ आंखों की समस्याओं से जूझ रहे थे, उनके प्रश्न थे, तो पांच नेचुरल वेज, फाइव नेचुरल वेज टू आई हेल्थ, यानी कि नेत्र के सुरक्षा के लिए, नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए और आंखों के रोगों से बचने के लिए, क्योंकि जिस समय जिस तरह का हम जीवन शैली इस समय हम जी रहे हैं, हमारा कॉन्टिन्यूसली जो है डिजिटल मीडिया से एक्सपोजर हो रहा है, लगातार वर्क फ्रॉम होम के कारण अब कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग सब ऑनलाइन होती है, बच्चे ऑनलाइन स्कूल का जो क्लासेस है वो कर रहे हैं, तो ये इट हैज बिकम एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो रेडिएशंस से हमारी आंखों पर, कोमल आंखों पर लगातार रेडिएशन बनेगा, तो उसका दुष्प्रभाव एक या दो दिन में नहीं होगा, लगातार कॉन्टिन्यूसली हम ये करते रहेंगे तो आगे आने वाली आंखों की समस्याओं से हम ग्रसित ना हो, उससे पहले ही हम जो है कुछ प्राकृतिक तरीके, कुछ नेचुरल स्टेप्स ले लें ताकि आने वाली समस्याओं से हम पहले ही निजात पा सकें और हमें आंखों के रोग हो ही ना। और जब हमारे आंखों की सुरक्षा होगी, स्वस्थ होंगी आंखें, और कई बार तो इन सरल प्राकृतिक उपचारों और प्रयोगों द्वारा और इन हेल्दी स्टेप्स द्वारा कई बार चश्मे का भी जो आपका है नंबर कम होते देखा गया है, तो इन सारे नेचुरल स्टेप्स को जो है आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए। सबसे पहले जब हम उठते हैं, आंख खुलते ही आप सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत जो है एलिमिनेटिव ड्रिंक से करें। हमारे शास्त्रों में भी ऊषा पान का जो है बताया गया है, तो आंवला पानी जो है ना केवल आपकी नेत्र ज्योति के लिए बल्कि कब्ज निवारक भी है, और प्रतिदिन उठ के आप इस समय हरा आंवला आ रहा है, दो आंवले रात को ग्रेट करके और आप उसको एक कप पानी में भिगो के रख दें, सुबह उसको छान कर आप पी लें। में नहीं मिल रहा मौसम में तो सूखे आंवले के टुकड़े, याद रखिए पाउडर नहीं लेना, रेडीमेड आंवले का जूस नहीं लेना है, घर पर ही कच्चे आंवलों को ग्रेट करके आपको ओवरनाइट सोक करना है, और जब ये सीजन में उपलब्ध ना हो तो आप आंवले के टुकड़े ले सकते हैं और उसके 5-7 टुकड़े आप भिगो के रात को रखिए और सुबह उस पानी को गर्म कर सकते हैं। जैसे कई साधकों के अगर उसमें गले में कुछ खटास लगती है तो वो एक चम्मच शहद भी डाल सकते हैं बच्चों को भी पिलाने के लिए ताकि वो उनको पैलेटेबल लगे, और आपकी नेचुरल इम्यूनिटी, कॉन्स्टिपेशन से निवारण, और साथ साथ आपकी बालों की हेल्थ के लिए और आपकी स्किन की हेल्थ के लिए ये आंवला जो है, इसीलिए इसे अमृत फल की संज्ञा दी गई है। ये हमारा पहला स्टेप जो आपको है करना है सुबह उठते ही, जब आप शौच इत्यादि से निवृत्त हो के अगला स्टेप जो है आपको त्रिफला वाटर कैसे बनेगा, रात को आप एक चम्मच जो है, छोटा चम्मच जो है, एक कप पानी में भिगो के रख दें
और सुबह उसको छानना है, याद रखिए महीन मुस्लिन क्लॉथ से आपको छानना है, मलमल के कपड़े से, ताकि उसमें कोई भी कण ना रहे, नहीं तो आंखों में वो इरिटेट कर सकते हैं। तो उसको कपड़े से छान कर वो आपका त्रिफला वाटर तैयार हो जाएगा। याद रखिए खरीदते समय आपको ये ध्यान रखना है कि वो त्रिफला पाउडर जो है ये पूछ के खरीदें, उसमें नमक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जो है सिंक के ऊपर खड़े होके मुंह में पानी भरेंगे तो मुंह फूल जाएगा, और इस तरह से मुंह में पानी भर के और फिर आंखों को जो है उस त्रिफला वाटर से एक एक आंख को 8-10 बारी स्प्लैश कीजिए। और यदि आप ये प्रोक्योर कर सकते हैं, मेरे हाथ में देख रहे हैं ये आई वॉश कप है, तो इससे भी आप कर सकते हैं, इसमें भी त्रिफला वाटर भर के आंख पे लगा के और फिर जो है आपको अपनी आईज को 10 बार 15 बार खोलना बंद करना है और फिर जो है इसी तरह से दोनों आंखों में बारी बारी से करना है। इससे हमारी आंखों को जो है, जो आंखों में चिपचिपापन है, इरिटेशन है, खुजली की होती है, रेडनेस होती है, तो ये सारे के सारे जो आंखों के जो डिसकंफर्टेबल जो साइन आने शुरू हो जाते हैं, तो वो जो है धीरे धीरे आंखों को ठंडक मिलती है, त्रिफला वाटर से क्लेंजिंग होती है, तो आपकी आंखों की नेत्र सुरक्षा, और जब वहां पे चिपचिपा नहीं होता तो वहां माइक्रोब्स इत्यादि और ज्यादा वहां पे इनहेबिट नहीं कर पाएंगे और वो आगे चल के आई इन्फेक्शन नहीं बनेगा। तो उसकी पहले से ही आंखों में चाहे रेडनेस हो, तो इस त्रिफला वाटर से आपको डेली नेत्र प्रक्षालन करना है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है हमारा है नेत्र शक्ति विकासक क्रियाएं, यानी के आई एक्सरसाइजेस। आई एक्सरसाइजेस आपको जो है अपने गर्दन की, कंधे की और आंखों की, ये आपको रेगुलर करनी है। जैसे आप योगासन इत्यादि तो कर ही रहे हैं, उसमें आप 5 मिनट अपने गर्दन और कंधे और आंखों की एक्सरसाइज जरूर जोड़ लें। और याद रखिए ये हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड जो प्रोटोकॉल है नेत्र सुरक्षा का, इससे बहुतों ने अपने चश्मे के नंबर भी घटते हुए देखे हैं और आंखों के बहुत सारे रोग जो है मैक्युलर डिजेनरेटिव डिसीजेस और कैटरैक्ट, बहुत सारे रोगों में बहुत लाभ हुआ है। और इसके साथ साथ जब आंखें थक जाती हैं तो आप बैठे बैठे ही ये और याद रखिए ये नेत्र शक्ति विकासक जो क्रियाएं हैं, एक्सरसाइजेस हैं, आप अपने चेयर पे बैठे बैठे, ऑफिस पे, घर पे कभी भी कर सकते हैं। और जब आंखें थक जाए तो आंखों को मटमटाना, इस मटमटाने का मतलब होता है कि आंखों को खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, लगातार 8-10 बारी जो है आप बंद कर, जो है जो स्टिफन हो जाती हैं वो रिलैक्स होंगी और आपको आराम मिलेगा। और साथ साथ पामिंग, पामिंग जैसे योग में जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं वो तो जानते ही हैं, हाथों को रगड़ के, हाथों को रगड़ने के बाद जो हमारे पाम्स होते हैं उनको आंखों पे लगाना है, फिंगर्स को नहीं लगाना, क्योंकि सारी ऊर्जा का केंद्र यहाँ से प्रवाह होता है। तो आप पाम्स को आंख पे लगाएंगे जब भी दिन में आप बैठे बैठे तो ये पामिंग जो है, पामिंग आप करेंगे। इसके बाद एम आई ऑडिबल, सब सुन पा रहे हैं ना? जी हाँ, आवाज आ रही है जी। अब इसके बाद जो चौथा स्टेप है जो हमें करना है वो है दोनों नॉस्ट्रिल में 4-4 बूंदे बादाम रोगन की डालनी है। आप रात को सोते समय डालिए, दिन में भी डाल सकते हैं, और बादाम रोगन की जगह आप देसी घी गुनगुना डाल सकते हैं। और जो लोग थोड़ी सी इरिटेशन बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि सरसों का तेल डालेंगे वो थोड़ा सा लगता है, फिर उससे आंख से नाक से पानी आता है, लेकिन उसका लाभ भी उतना ही है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये दोनों नॉस्ट्रिल्स में स्पेशली हम सर्दियों में अवश्य कहते हैं, और इस समय भी स्पेशली जब हमारे अंदर की जो मेम्ब्रेन्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो ड्राई हो जाती है, तो वहां पर जो छोटी छोटी वेन्स कैपिलरीज है, तो वहां से जब हम जोर से स्नीज आउट करते हैं या कफ निकालते हैं तो उसके साथ ब्लड स्टेन भी आता है, वो इसीलिए आता है ड्राइनेस के कारण। तो जब अगर आप रेगुलर बादाम रोगन
और इस तरह से देसी गुनगुना अगर आप घी डालेंगे या सरसों का तेल, तो न केवल आपकी जो है ये समस्या जो है नेजल ब्लॉकेज भी खुलेगी, इवन यहाँ तक देखा गया है कि माइग्रेन इत्यादि में भी जब कभी आपको लगे कि बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, तब भी अगर आप चार चार बूंदे बादाम रोगन की डाल के और बादाम रोगन से यहाँ टेम्पल्स पे मसाज करेंगे तो तुरंत आपका जो वो चला जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप जो है आंखों पर ठंडी पट्टी। जी हाँ, आंखों की ठंडी पट्टी का मतलब है कि आप एक बाउल में ठंडा पानी ले लीजिए, उसमें एक हैंकी भिगो दीजिए और निचोड़ कर उसको अपनी आंखों पर 10 मिनट रखें। याद रखिए, जैसे अब आपके बच्चे घर में अपना ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, घंटों काम कर रहे हैं, तो एक एक घंटे के बाद आप उनके स्टडी टेबल पे या वर्क टेबल पे जो बड़े लोग भी हैं वो ठंडे पानी का बाउल भर के और उसमें एक हैंकी रखें, एक घंटा लगातार काम करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें और वो ठंडी पट्टी जो है उसमें उसको निचोड़ कर और आंखों पर 10 मिनट का फॉर आफ्टर वर्किंग लगातार एक घंटा काम करने के बाद 10 मिनट का आंखों की पट्टी अवश्य लगाएं। तो आंखों में जो एक्सेस हीट है, बर्निंग सेंसेशन है, भारीपन है, थकावट है, सूजन है, बहुत सारी आपकी इवन यहाँ तक कि स्ट्रेस जो है, ओवरवर्क्ड आईज है, तो उनको भी इतना राहत और इतनी आराम मिलेगा आपको कि आप फिर से काम करने के लिए आप जो है आप तैयार हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो है आई न्यूट्रिशन की मैं बात करती हूँ कि अपने भोजन में सबसे पहले तो कब्ज मत होने दीजिए, पेट हमेशा, पाचन तंत्र साफ रखिए अपना। मैंने टाइम एंड अगेन आंतों की सफाई के सूप की रेसिपी दी है, तो उसको पीते रहिए और साथ साथ विटामिन ए रिच फूड, जितने भी कैरोटीनॉइड्स वाले जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, ये कैरोटीनॉइड्स जो है वो सब्जियों को, फलों को कलर देता है। जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अगर ये क्या कहते हैं संतरा है और कैरेट्स है और ऑरेंजेस हैं, जितने भी और बेल पेपर्स हैं, येलो है, रेड है, जो भी कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है और पपाया है, तो इनको खूब खाइए, सीजनल फ्रूट्स और सब्जियों को, ताकि आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए मिले। विटामिन सी के लिए आपको जो है ना केवल आई हेल्थ के लिए बल्कि ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए, मैंने बताया कि 0.2 ग्राम्स ऑफ विटामिन सी सबको अपनी इम्यूनिटी के लिए लेना है, और इतना जो आपको अमाउंट है वो मिलेगा एक बड़े अमरूद से या दो बड़े संतरों से, या आप चार टमाटर खा लें, एक कटोरी मटर खा लें कच्चा तो भी उतनी अमाउंट मिल जाएगी, या प्रतिदिन जो है 3-4 प्रकार के आप फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स खाइए, 500 से 700 ग्राम आप डेली इनका इंटेक करें, तो ना केवल आपको विटामिन सी बल्कि मैनी मैनी मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स नेचुरली आपको कोई सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस तरह से जो है आप आंखों का ध्यान रखें। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जब आपके हेडेक है, आप तनाव में है, तो उस टाइम थोड़ा सा काम अपना थोड़ी देर के लिए हॉल्ट पे कर दें। उस कंडीशन में भी लगातार काम ना करते रहे आंखों का, रीडिंग का या कंप्यूटर, थोड़ा सा ब्रेक ले लें और फिर उसके बाद जो है आप अपना काम रिज्यूम करें। और साथ जो है नींद का भरपूर ध्यान रखिए। देखिए, अपनी जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप, अगर आप जो नींद पूरी तरह से नहीं लेंगे, विश्राम पूरा नहीं करेंगे, तो आपकी आई हेल्थ अफेक्ट होगी ही होगी। किसी भी ऑर्गन की क्षमता से अधिक उससे काम लेंगे तो वो सूनर और लेटर जो है वो अंग प्रत्यंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इससे पहले कि समस्या आए, हम उससे पहले ही हमें समाधान कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ वैसे तो योग में हम जल नेति, सूत्र नेति इत्यादि बहुत ही कारगर हैं। जब हमारे केंद्र खुलेंगे तो तब हम आमने सामने वो सब चीजें करा सकते हैं, ऐसे ऑनलाइन कराना संभव नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी कि जो लोग ये जानते हैं जल नेति या सूत्र नेति, तो वो यदि अपनी जो है कर पाए तो इससे भी आंखों की सारी समस्याओं का समाधान होता है, ना केवल आंखों की समस्याओं का बल्कि पूरे ईएनटी डिपार्टमेंट का। तो इस तरह से इन प्रयोगों को करते रहें।
और खुद भी स्वास्थ्य लाभ उठाएं, और बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना परोपकाराय इदम शरीरम, ये शरीर केवल अपने लिए नहीं, ज्यादा से ज्यादा दूसरों को लाभान्वित करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों को जोड़ें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लेक्चर को विराम देती हूँ। तो यदि कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक बता दूं कि आज क्वेश्चंस किसी ने पूछा था सूखी खांसी के लिए, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूं। क्या वो है हमारे साथ जिन्होंने ग्रुप में सूखी खांसी के लिए मुझसे पूछा था? अगर वो है तो मैं बोलूं बताऊं, नहीं तो बाकी लोग तो जानते ही हैं, मैं कई बार बता चुकी हूं। तो लगता है वो नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी रेस हो रहे हैं हैंड्स, तो हम देखते हैं कि जी अलका जी, अलका जी अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए, पूछिए। जी ऑन है जी। नमस्कार, नमस्कार डॉक्टर सर। नमस्कार डॉक्टर सर, मेरा क्वेश्चन है, मेरे एक्चुअली एलर्जिक कफ बहुत है मेरे चेस्ट में, तो डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक दिया है, कुछ दिया है, मैं क्या नेचुरल तरीके से इसको इसको कर सकती हूं? मतलब आप, आपको जल लेती आती है क्या, कभी सीखी आती है? हां जी आती है। दुनिया भर में एलर्जी का कोई इलाज नहीं है। अगर आप जल नीति जानते हैं तो जल नीति को आप लगातार शुरू कर दीजिए, नंबर वन। दूसरी बात जो है आप जो है छाती की लपेट, और तीसरे नंबर पे हॉट फूड बाथ। आप कुछ ही दिनों में ये करिए और मुझे अपना अनुभव, मुझे 100% आई एम श्योर कि यू विल फील मच मच बेटर विदाउट एनी मेडिसिंस। या थैंक यू सो मच। ये हमारे कॉमन क्लास में जुड़े हुए हैं सुबह में अलका जी। जी हां, मैं बहुत पुरानी आपके साथ हमारे साथ वेरी गुड, वेरी गुड जी। हाँ चलिए बात कीजिए। नक्षत्रा, नक्षत्रा नाटा, अब वीडियो वीडियो खोलिए और बात स्पष्ट कीजिए। हाँ जी नक्षत्रा, हाँ नक्षत्रा जी, बात करिए, पूछिए। नमस्ते मैम, आवाज कट रही है, मैं सुन नहीं पा रही। हाँ देखिए, नेट थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे हो, एक बार चेक करिए नेट। मैम नमस्ते। हाँ बोलिए। नमस्ते मैम, है ना कल आपने बताया था कि छाती तक अगर गैस भर जाती है तो वो गीली लपेट लगाते हैं, अगर गैस सर तक चली जाती है तो क्या करना चाहिए? गैस सर तक भी चढ़ जाती है, वो गैस जाएगी तो पेट से ही, तो वहीं पर ठंडी पट्टी लगाएंगे तो वो वहीं पर जो है, तो हॉट फूड बात लीजिए। अगर सर पे महसूस ही हो रहा है तो तुरंत हॉट फूड बात लीजिए, और नहीं तो इनिशियल स्टेज पर आप जो है पेट की ठंडी पट्टी जो है वो वेट टॉवल से आप जो है पेट पर वेट बैंडेज लगाइए। देखिए गैस है भाप का, जैसे आप भाप का नेचर होता है, तो भाप को अगर कोई ठंडी चीज से अगर आप कर देंगे तो वो भाप जो है पानी बनकर आपके यूरिनेट पेशाब के तौर पे वो निकल जाएगी, तो इसलिए तुरंत जो है ठंडा टॉवल आप पेट पे रखें। लेकिन अगर हेडेक हो रहा है तो आप हॉट फूड बाथ भी ले सकते हैं। आपको भोजन में ध्यान देने की, भोजन में ध्यान देने की जरूरत है। फास्टिंग करिए, एक दो दिन जो है फलाहार पर रहिए, अन्न छोड़ दीजिए, पेट को सही करिए। जी मुकेश जी, इंद्र मैम, मैम पेटी को है ना हिचकी आती रहती है, हिचकी, और वो कंटिन्यूअसली आती रहती है 5-10-15 मिनट, परेशान हो जाती है, रुकती ही नहीं है किसी भी तरह। उस समय उनको गर्म पानी दीजिए, ल्यूक वॉर्म, ये जो प्राणापान का जो है इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो जो वायु है वो हिचकी की फॉर्म में निकलती है, तो उनको तुरंत गर्म पानी दीजिए पीने के लिए, सिप सिप करके पिए। गर्म पानी से भी नहीं रिलीफ होता उसको, कई बार मीठा भी खाती है, हनी भी खाकर देखती है, लेकिन होता ही उसको रिलीफ। तो उनके, जी हाँ, उनके पेट पे ठंडी वेट बैंडेज दीजिए, ये जो अंदर की वायु का ही जो है प्रकोप होता है उसके कारण होता है, तो आप पेट पर वेट टॉवल दीजिए उनको, वेट बैंडेज। सुनीता दुगड़, सुनीता दुगड़ प्लीज। कौन से वाटर का होना चाहिए? सॉरी
वेट शावर कौन से वाटर का होना चाहिए, कोल्ड वाटर या नॉर्मल? नॉर्मल वाटर, नॉर्मल नॉर्मल वाटर जी हाँ। सुनीता दुगड़ नमस्ते मैम। नमस्कार, आवाज कम आ रही है सुनीता जी, थोड़ा नजदीक होके बोलिए। अब सुनाई दे रहे मैम? हेलो, हेलो, अब ठीक है? हेलो, मेरा बेटा 17 इयर्स का है, उसके हाथों में एनी टाइम पसीना आता है, मतलब एनी टाइम हाथ और पैर गीले हो जाते हैं, तो मैम इसका कोई नेचुरल उपाय? हेलो जी, हाँ जी जी, उनको क्या कहते हैं, एक दो दिन का फास्टिंग कराइए, और आंतों का जो सूप है, कोलोन क्लेंजिंग सूप, वो पिलाइए, उनके पाचन तंत्र में जो है धीरे धीरे सुधार खान पान द्वारा करेंगे तो उनका बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा। जो जो ये स्वेट ग्लैंड्स हैं ओवर एक्टिव है, एंजाइटी बहुत लगती होगी उनको, नर्वसनेस, तो उसकी वजह से पसीना आता है, तो वो इम्बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा जी। उनको खान पान सात्विक आहार और साथ साथ उनका जो है पेट का ध्यान रखें जी। तरला जी, तरला जी बताएं। हाँ मैडम, ये मैडम हाथ खड़ा हुआ दिख रहा है मुझे, मेरा ख्याल समय भी समाप्त हो रहा है। मैडम मैं तरला हाँ, मेरे हस्बैंड और मुझे, हम दोनों को कोरोना हुआ था। मेरी आवाज आ रही है मैडम? हाँ आ रही है जी जी जी। हाँ तो जी, उनको अभी दोनों, हम दोनों को ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है और मेरे हस्बैंड को सूखी खांसी 2 दिन से आ रही है, और वो भी दोपहर के बाद में आती है। जी जी जी, मैं आपको अभी बुला रही थी कि मैं आपको बताने के लिए ही पूछ रही थी कि जिन्होंने सुबह प्रश्न किया था, तो देखिए हाँ। पेट में दर्द के लिए तो पेट की आप जो है लपेट बांधिए जी है, और जो सूखी खांसी के लिए पेपर और पेन ले लीजिए नोट करने के लिए, बाकियों के लिए भी मैं बता देती हूँ, और आपके लिए भी सूखी खांसी के लिए, जब भी अगर तेज खुश्क खांसी हो तो 2 दिन में आपकी ठीक हो जाएगी। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करें, ये उपचार जो है तेज खुश्क खांसी को दूर करने के लिए, नोट कीजिए, 5 तुलसी के पत्ते, हाँ, 5 काली मिर्च, हम्म, 5 काले मुनक्के, ओके, 6 ग्राम चोकर, चोकर जो वीट ब्रान होता है, जगह मेरा डिनर हो गया, तेरा भी तक लंच। और ममता जी अभी चुप रहिए प्लीज। 6 ग्राम मुलठी और 3 ग्राम बनफ्शा के फूल। फिर से मैं पूरे इंग्रेडिएंट बोल रही हूँ, 5 तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च, 5 काले मुनक्के, 6 ग्राम चोकर, 6 ग्राम मुलठी, 3 ग्राम बनफ्शा के फूल, इन सभी को 200 ग्राम पानी में उबालना है, तब तक जब तक वो 100 ग्राम रह जाए, फिर ठंडा करके छान लेना है। रात को सोते समय उसे गर्म किए, ओढ़ कर सो जाएं, हवा से बचें, 3-4 दिन के प्रयोग से ही आपकी जो खांसी है बिल्कुल भाग जाएगी। तो इसका प्रयोग करें और अपना अनुभव मुझसे शेयर करें जी। तो ममता जी, ममता एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ममता जी प्लीज, ओके अनम्यूट करिए ममता जी, पूछ लीजिए। हाँ मैम, ये पूछना चाहती है, हॉट फुटपाथ और लपेट एक साथ कर सकते हैं दोनों काम? जी नहीं, दोनों नो नो नो, वो अलग प्रयोग है, वो अलग प्रयोग है, दोनों का जो है प्रभाव भी अलग अलग समय पर करेंगे। आप हॉट फुट बात करने के बाद लपेट बांध सकते हैं, एक के बाद एक कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं करेंगे। हाँ लपेट आप लपेट बांध सकते हैं, आपने छाती की लपेट बांधी हुई है, आपने पेट की बांधी हुई है, आपने गले की, घुटनों की बांधी हुई है, कितनी भी लपेट आप एक साथ बांध सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और लपेट हॉट फूड बांधते समय जो है लपेट नहीं बांधते जी नहीं। किचन में तो सबके प्रश्नों का उत्तर हो गया, समय हो चला है, इस समय जिनके प्रश्न रह गए वो अपना व्हाट्सएप में डाल दीजिए। ठीक है, बिल्कुल काम कर सकते हैं, काम करने में मना नहीं है ममता जी, काम कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, आपके प्रश्न अपने वो बात डाल दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर किन्हीं का प्रश्न रह गया है जी, मैं ये रेसिपी जो है ग्रुप में डाल दूंगी जी। हाँ, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।
काफी वक्त हो गया, धन्यवाद, थैंक यू धीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग इसी तरह उपस्थित